हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पैपॉन टुडे वी शेल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी एंड कार्बन ऑफसेटिंग वी ऑल नो दैट वेरी सुन दे शेल बी गोइंग टू बी हेल्ड दिस सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स एट ग्लेस्को कार्बन न्यूटलिटी बहुत सारे देश और बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनीज ने अपने अपने कार्बन न्यूट्रल टारगेट्स ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं इंडिया ने अभी अनाउंस नहीं किया है जहाँ तक पर कैपिटा कार्बन एमिशंस की बात है वर्ल्ड एवरेज अराउंड 6.64 टन्स पर कैपिटा आता है इंडिया का लेस देन टू है अभी, मतलब इंडिया कार्बन एमिशन पर कैपिटा में काफ़ी कम है हाईएस्ट बीइंग द यूएस। बट अराउंड 120 कंट्रीज हैव ऑलरेडी प्लेस्ड देयर कार्बन रिडक्शन यू कैन से कार्बन न्यूट्रल टारगेट्स तो उसको उसके संदर्भ में थोड़ा बहुत जानते हैं कार्बन न्यूटेलिटी एंड कार्बन ऑफसेटिंग विद द यूरोपियन क्लाइमेट लॉ बींग पासड द ई यू कमिटिंग टू कार्बन न्यूटेलिटी बाई ट्वेंटी फिफ्टी वॉट डज देट मीन इन प्रैक्टिस वी ऑल नो कि जुलाई 2021 में फिट फॉर फिफ्टी यू ने अपना टारगेट दिया है कि कार्बन एमिशंस विल बी रिड्यूस्ड बाय 55 परसेंट बाय 2030 ऑफ 1990 लेवल एंड इट दे विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2050 चाइना ने 2060 बोला है कि सिक्सटी तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे तो कई सारे देशों ने इस प्लेच को लिया है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे तो व्हाट दिस व्हाट डज दिस कार्बन न्यूट्रलिटी मीन लेट अस फाइंड आउट यू नो क्लाइमेट चेंज हैज अफेक्टेड एंड इज अफेक्टिंग एट विल बी अफेक्टिंग आवर लाइफ इन डिफरेंट नंबर ऑफ वेज क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी अफेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड विद एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस Such as drought, heat waves, flooding, landslide become more frequent. I Amazon, mean, uh, forest, में a fire सुना Australia में problem है. Uh, Arctic circle में एक uh, particular mein 38 degrees Celsius temperature पहुँच per today's newspaper. So all these things are unusually happening because of climate change, and these are going to affect our life for the long time to come. लंबे समय तक हमें इसके असर अंजाम देखने पड़ेंगे तो इसलिए क्लाइमेट पर बहुत जल्दी उस पर काम करना बहुत जरूरी है कार्बन रिडक्शन ही नहीं कार्बन रिमूवल भी और कार्बन कटिंग तीनों ही बहुत जरूरी है सिर्फ कार्बन रिडक्शन या रिमूवल से बात नहीं बनेगी कार्बन कटिंग भी होना बहुत जरूरी है अदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेपिडली चेंजिंग क्लाइमेट इंक्लूड राइजिंग सी लेवल्स ओशन एसिडिफिकेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कार्बन ओशन एक इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक होता है अगर एक लेवल के ऊपर उसमें कार्बन uh, जमा होने लगता है तो मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है एंड ए लार्ज नंबर ऑफ से अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन मैरीन रिसोर्सिस हैं लॉट ऑफ पीपल विल बी एफेक्टेड सो इट इज ने टू अरेस्ट द चेंजेज एंड एज अर्ज पॉसिबल Uh, जितनी जल्दी हो सके इसको हमें करना है गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस एल्ड प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो हमको करना है थ्रेश होल्ड इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज सजेस्टेड सेफ कार्बन सजेस्टेड इज सेफ कार्बन न्यूट्रलिटी बाई मिड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीशियल दो हजार बीस पचास तक तो इसका होना बहुत जरूरी है दिस टारगेट इज ऑल्सो लेड डाउन इन द पैरिस एग्रीमेंट साइंड बाई वन नाइंटी फाइव कंट्रीज इंक्लूडिंग ई यू वॉट इज कार्बन न्यूटेलिटी कार्बन न्यूटेलिटी सिम्पली मीन्स हैविंग अ बैलेंस बिटवीन द यू कैन से एमिशन ऑफ कार्बन कार्बन एमिटिंग एंड कार्बन एब्जॉर्बशन फ्रॉम द एटमोसफियर इन द कार्बन सिंक्स जितना कार्बन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही आप एब्जॉर्ब कर दें तो नेट कार्बन जीरो हो जाएगा नेट जीरो हो जाएगा है ना कार्बन इससे कार्बन प्रोडक्शन नहीं रुक रहा है बट कार्बन एब्जॉर्बशन के सोर्सेज आप बढ़ाए दे रहे हैं कार्बन को एब्जॉर्ब कराए दे रहे हैं चाहे वो लैंड यूज सिस्टम से हो एफॉरेस्टेशन से हो या रिफॉरेस्टेशन से हो या एग्रीकल्चर यूज करने के तरीके से हो जैसे कि प्लोइंग करते हैं हम फील्ड को प्लोइंग करते हैं नो टिलेज अगर हम करें तो उससे भी ये एमिशन कम हो सकता है रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड फ्रॉम द

इंडस्ट्रियल कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है आपने उसे कैप्चर किया कंप्रेस किया और अर्थ में कहीं उसे एम्बेड कर दिया सेंचुरीज टुगेदर के लिए बट ऑल दीज थिंग्स आर जिन इन सब का होना ये जो आर्टिफिशियल प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अभी यूजफुल नहीं है अल्टीमेटली जो नेचुरल कार्बन सिंग्स हैं उन पे ही हमें काम करना पड़ेगा कार्बन रिडक्शन और कार्बन रिमूवल अलग अलग बातें होती हैं दोनों ही दोनों पे ही काम करना पड़ेगा जैसे कि हम बायोमास इज बर्न टू जनरेट हीट एंड पावर हमने सी ओ प्रोड्यूस की सी ओ टू में गई फिर कार्बन सिंक में वो आ गई और फिर बायोमास फिर इस्तेमाल हो गया पावर प्रोड्यूस करने के लिए अगर इसमें बैलेंस हो जाए तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा नेचुरल कार्बन सिंक कार्बन सिंक इज एनी सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स मोर कार्बन देन इट एमिट्स मेन नेचुरल कार्बन सिंगस जैसे मैंने आपको बताया हम जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे जितना ज्यादा ओशंस को मैरीन डायवर्सिटी को मेंटेन रखेंगे उतना ज्यादा हमारे फायदे की बात है कार्बन सिंग्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है डिफॉरस्टेशन जो निगेटिव फिनमिना है टू डेट नो आर्टिफिशियल कार्बन सिंग्स आर एबल टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर ऑन द नेसेसरी स्केल टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल सिंक्स नहीं ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल एमिशंस को हमने कैप्चर किया जैसे कार्बन कैप्चरिंग कहते हैं फिर उसे कंप्रेस करके हमने अर्थ में एम्बेड कर दिया वो लंबे समय के लिए वो बहुत ज़्यादा अभी कारगर नहीं हो सके हैं अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स नेचुरल सिंक्स रिमूव बिटवीन नाइन टू इलेवन गीगा टंस ऑफ सीर टू पर ईयर एंड एनुअल ग्लोबल गी का तो जो कार्बन सिं का एब्जॉर् कैपेसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू कार्बन एमिशंस कार्बन रिलीज कार्बन स्टोर्ड इन नेचुरल सिंग सच एस फॉरेस्ट इज रिलीज इन टू द एटमोस्फियर थ्रू फॉरेस्ट फायर चेंजेस इन द लैंड यूज ऑर लॉगिंग ओब्वियसली एटमोस्फियर कार्बन आया फोटोसिंथेसिस से कन्वर्ट हुआ फिर हमने लकड़ी को जला दिया बर्निंग कर दी फिर वापस पहुंच गया तो हम उस हम इस फिनमिना को अगर कंट्रोल करेंगे तो यह मिशन कट होगा दैट इज़ वाई इट इज एसेंशियल टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इन ऑर्डर टू रीच क्लाइमेट न्यूट्रलिटी रिडक्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी है और अल्टीमेटली कार्बन कटिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ झुकाव बहुत जरूरी है कार्बन ऑफसेटिंग एक तरीका होता है कार्बन ऑफसेटिंग व्हाट इज कार्बन ऑफसेटिंग कार्बन ऑफसेटिंग इज ए वे टू रिड्यूस एमिशन एंड टू परसू कार्बनिटी टू एफसेट मेड इन वन सेक्टर रिड्यूसिंग देम समवेयर एल्स दिस कैन बी डन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी एफिशियंसी एंड अदर क्लीन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज द यूज टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन ऑफसेटिंग सिस्टम कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब है कि आपने कहीं पर कार्बन फुटप्रिंट अपना बनाया और किसी और एनर्जी सेक्टर में जितना बनाया उतना आपने कम कर दिया तो कार्बन ऑफसेट हो गया इसे कार्बन ट्रेडिंग के फॉर्म में भी मान सकते हैं यूरोपियन यूनियन का ये सिस्टम एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया बताया में ग्रीन डील जो उनकी है और फिट फॉर 55 है तो ऑफसेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार खरीदी कार कंपनी ने कहा इस कार को आप इस्तेमाल करेंगे इसमें गैसोलीन इस्तेमाल होगी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होगा तो इसका कार्बन फुटप्रिंट आएगा है ना कार्बन एमिशन आएगा तो ऐसा करते हैं इसकी कॉस्ट में हम पांच रुपये और जोड़ देते हैं ये इसके कार्बन फुटप्रिंट की कॉस्ट है और ये जो पाँच रुपये हमने कार आपको सौ की बेची लेकिन ये जो पाँच रुपये हम आपसे कार्बन कॉस्ट ले रहे हैं ये पाँच रुपये हम कार्बन जहां जो नॉन कार्बन एरियाज है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहां पर इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होगा मतलब आपका जो कार्बन फुटप्रिंट आएगा उतना हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे ताकि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट आएगा इस कार के इस्तेमाल करने से वो न्यूट्रलाइज हो जाए तो ये कार्बन ऑफसेटिंग कहते हैं इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ये सोचा कि मैंने कुछ गलत किया है और मैंने गंगा में नहा लिया तो मेरे पाप ढुल गए इसे कार्बन ऑफसेटिंग का एक एग्जाम्पल निगेटिव निगेटिव उसमें जाए कोनोटेशन में, जा, में जाए तो ये हो सकता है तो आपने कार्बन फुटप्रिंट बनाया और किसी और तरीके से अगर ठीक तरीके से चले तो ठीक भी हो सकता है तो दिस इज कॉल्ड कार्बन ऑफसेटिंग आपके द्वारा पाँच रुपये एक्स्ट्रा दिए गए वो वो कंपनी उसको फिर इस्तेमाल करेगी कि वो रिन्यूअल एनर्जी सोर्सेज डेवलप करने में इस्तेमाल करेगी ताकि आपके द्वारा इम जो वो फुटप्रिंट है वो बराबर हो जाए Emissions, ये प्रोड्यूस एमिशंस हैं और ये रिड्यूस्ड एमिशंस है बाई ऑफसेटिंग जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर दिया गया हो गया कार्बन ऑफसेटिंग बराबर हो गया फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अभी जुलाई 2021 में यूरोपियन कंट्रीज ने ईयू ने एक सी जारी किया है जिसमें वो आ, 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 अपना एक मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं ताकि वो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सके। इनिशिएटिव टू रिड्यूस एमिशंस इज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विच वुड अप्लाई कार्बन प्राइसेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम लेस क्लाइमेट एम्बिशियस कंट्रीज दिस शुड हेल्प डिस्करेज कंपनीज मूविंग प्रोडक्शन फ्रॉम ई यू टू समवेयर विद लेस स्ट्रिंजेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रूल्स फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ई कंट्रीज़ ने कह दिया कि अगर यहाँ पर स्टील बनानी है आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है आपको तो उस पर इतना कार्बन प्राइस लगेगा मतलब आपको कार्बन नॉन कार्बन सोर्सेज नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज इनपुट्स के तौर पे इस्तेमाल करना करने पड़ेंगे ताकि जो प्रोडक्ट बने वो ग्रीन प्रोडक्ट हो अगर इससे ज़्यादा होगा ये हमारी कार्बन प्राइसिंग है इसमें आपको करना पड़ेगा अगर ऐसा करेंगे या कार्बन टैक्स लगा देंगे कार्बन प्राइसिंग कर देंगे ऐसा करेंगे तो एक डर ये हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन से कंपनीज उठकर उन देशों में चले जाएं जहां पर ऐसे कार्बन टैक्सेस नहीं लगे हुए हैं ऐसे तो डिस्टर्ब हो जाएगा ट्रेडिंग सिस्टम तो उन्होंने एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सिस्टम बनाया है उसके तहत क्या होगा इसको ऐसे समझ लीजिए कि देखिए डायग्राम से समझते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करती है ये स्टील है स्टील प्रोड्यूस हो रही है ये ग्रीन सोर्स से स्टील प्रोड्यूस हुई है ये स्टील ग्रीन से प्रोड्यूस हुई है और ये नॉन ग्रीन सोर्स से स्टील बनाई गई है लेकिन दोनों पे टैक्स फॉर एग्जांपल बराबर लग रहा है ये इस पर बराबर लग रहा है तो ओब्वियसली सस्ती कौन सी पड़ेगी जब जब ग्रीन सोर्सिस से स्टील बनाई गई है तो उसमें कॉस्ट ज्यादा आई होगी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आई होगी लेकिन यहां पर कॉस्ट कमाई है और टैक्सेस बराबर लग रहे हैं इसका मतलब ये जो कार्बन इंटेंसिव स्टील है ये सस्ती बिकेगी यू, यूरोपियन यूर, यूनियन के मार्केट में और ऑब्वियसली यही एंटर कर जाएगी और कार्बन पहुंच जाएगा यूरोपियन कंट्रीज में वैसे भी उनके एस्टिमेट के अनुसार ट्वेंटी जो कार्बन है वो उनके इंपोर्ट्स के द्वारा आता है जो 20 परसेंट कार्बन एमिशन उनका है वो वो जो इम्पोर्ट करते हैं और देशों से उससे आता है तो वो उनकी न्यूट्रलिटी अचीव करने में ये सी बहुत काम आने वाला है तो उन्होंने अब अगर वन साइज फिट ऑल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और ये अनफेयर भी है यहाँ पर क्लीनर प्रोड्यूसर्स पे द सेम एज डर प्रोड्यूसर्स जो नॉन कार्बन जो नॉन एफिशिएंट यू कैन से इनपुट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी वही प्राइस लग रही है जो क्लीन वालों पे लग रही है तो अनफेयर है कोई इंसेंटिव नहीं है इंडस्ट्री को डिकार्बोनाइज करने का हम क्यों करें जब हमारा सामान महंगा बिकना है हम तो नहीं करेंगे और ये डज नॉट प्रमोट ई यू क्लाइमेट गोल्स और ई यू के जो क्लाइमेट गोल्स हैं दो तो हज़ार पचास तक उनको भी सपोर्ट नहीं करेगा तो इसमें क्या होना है इंडिविजुअल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी देश से लिया फॉर एग्जाम्पल इंडिया से आपने स्टील लिया और इंडिया ने स्टील बनाने में ग्रीन इनपुट्स इस्तेमाल किए हैं तो इंडिया से आने वाले स्टील पर कम टैक्स लगेगा या कम इनपुट्स लगेंगे लेकिन जो किसी और देश से आ रहे हैं जहाँ पर जो इनपुट्स हैं वो ग्रीन नहीं हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा उनकी प्राइस ज़्यादा होगी जब ये प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो ये स्टील ये प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में नहीं घुस पाएगा और जो ग्रीनर स्टील है जो इनपुट्स से बनी है उस पर कम प्राइसिंग है वो घुस जाएगी वो एंटर कर जाएगी मार्केट में और बिकेगी इस तरीके से इनक्रेजमेंट मिलेगा और देशों को कि वो अपने इनपुट्स को ग्रीन से ग्रीन से ग्रीन ग्रीनर करते जाएं ताकि उनका सामान इंडस्ट्री में ट्रेडेबल हो वर्ल्ड मार्केट में ट्रेडेबल हो अदरवाइज़ नुकसान ये हो सकता है कि हालांकि शुरुआत में सिर्फ बड़े बड़े प्रोडक्ट्स पे किया है एलमोनीय है स्टील है या पावर सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी है उस पर किया है 2026 तक ये कॉम्प्रिहेंसिवली करने की बात करते हैं तो इससे उन देशों को प्रॉब्लम होगी जहां पर आ, अभी ग्रीनर मैकेजम इस्तेमाल नहीं हो सकते उनके पास फाइनेंसिस नहीं हैं वैसे भी सी ओ पी छब्बीस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होनी है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ही मेन कार्बन एमिटर्स रहे हैं और लेकिन अब कार्बन को जब ख़त्म करना है दुनिया से इन्वायरमेंट को सेफ बनाना है तो सारा ओनर सबके पास बराबर है ऐसा संभव नहीं है तो जिन लोगों ने किया है पॉलिटिक्स पे प्रिंसिपल जिन्होंने किया है उनको इसकी कीमत भुगतनी चाहिए और डेवलपिंग नेशंस को थोड़ी सी लीवरेज देनी चाहिए ओबियसली फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो जो छोटे देश हैं जहाँ पर फाइनेंस की समस्या है तो जो थियोपी छब्बीस ग्लेसगो में है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंस देना पड़ेगा तभी जाकर और देश ग्रीन इनिशिएटिव्स ले पाएंगे इंडिया काफ़ी आगे है इंडिया ने अपनी रीनल एनर्जी को 2030 तक 2030 तक जो हमारा पावर इलेक्ट्रिसिटी है वो 40 परसेंट हम रीनल एनर्जी में के सोर्सेज से कर देंगे फॉसिल फ्यूल से कम कर देंगे और जो पेरिस क्लाइमेट टारगेट्स है उससे आगे इंडिया ऑलरेडी चल रहा है उससे अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या जो अंडर इंस्टॉलेशन है तो वो तो लगभग 48 एट परसेंट पहुँच जाते हैं जबकि टारगेट हमारा 40 परसेंट का है उनतालीस परसेंट हमारे लगभग इंस्टॉल कैपेसिटी एनर्जी की हो चुकी है तो इंडिया इज वर्किंग वेरी वेरी गुड ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट बट स्टिल लॉट ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस कंट्रीज टू गो ग्रीन उनको ये ग्रीन इनपुट्स लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये हो जाएगा तो जो पॉल्यूट करता है वो पे करेगा और कम कंट्रीज़ को या कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा कि वो अपने जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उनको रिजनल एनर्जी पर बेस करें और फॉसिल फ्यूल को ग्रेजुअली फेज आउट करते चले जाएं और इससे यूरोपियन क्लाइमेट को जो कोल्स हैं उनको रीच करने में फ़ायदा होगा ये एक एग्जांपल है और ये और देश भी किसी न किसी तरीके से इसे करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये बड़े स्तर पर ईयू ने पहला अपना मेकेज़म बनाया है जहाँ इस तरीके से एक यू कैन से कंपलशन हो जाएगा एक्सपोर्टर्स को कि वो अपने इंसेंटिवस को अपने इनपुट्स को इम्प्रूव करे तो दिस इज़ समथिंग अबाउट कार्बन न्यूट्रलिटी एंड कार्बन ऑफसेटिंग सो थैंक्सॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच